हेलो दोस्तों, यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे, दोस्तों जो वीडियोस की यहाँ पर सॉन्ग्स होते हैं या रिमिक्स के जो गाने होते हैं उन पर आपने देखा होगा क्रिएटर का जो है फोटो लगा होता है। दोस्तों हाँ दोस्तों, यार अगर आप भी अपने खुद का यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं, खुद के फोटो लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर एवी प्लेयर में खुद का वीडियो पर खुद का यहाँ पर फोटो लगाया जाता है, कोई भी गाना रिमिक्स का हो उसके ऊपर फोटो किस तरीके से लगाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों यार इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एवी प्लेयर को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों यार एवी प्लेयर आपको जो है सिंपली से यहाँ पर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो है फोटो लगाया हुआ है, तो किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है दोस्तों। सो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है फोटो मैंने लगाया हुआ है, और भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। यार बहुत से फोटोज मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं दोस्तों, यार आप यहाँ पर ये देख सकते हो दोस्तों, और भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में फोटोज मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये किस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाए हैं, और अगर आप भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं अपने खुद का फोटो, सो आप किस तरीके से यहाँ पर इसे लगा सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों यार इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों यार आपको जो है इस वाले टेम्पलेट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और दोस्तों टेम्पलेट को आपको अगर डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके बारे में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। सो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं फोटो किस तरीके से लगाना है बैकग्राउंड में। सो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ दोस्तों, तो मैं इस वाली टेम्पलेट को यहाँ पर दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों टेम्पलेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इस वाले टेम्पलेट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कोई भी यहाँ पर हमारे सामने जो है फोटो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यार यहाँ पर फोटो किस तरीके से लगाना है उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। यार आपको जाना है सिंपली पेंसिल वाला आइकन पर, आइकन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सेकंड नंबर पर आपको इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों इमेज, तो इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टम इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पिक इमेज, तो सो दोस्तों पिक इमेज वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से कोई भी जो है इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज होने वाला है, तो मैं इस वाले इमेज को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओनली आपस यहाँ पर आपको बैक आ जाना है दोस्तों। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज लग चुका है। अब दोस्तों बात की जाए इस गोले के अंदर किस तरीके से यहाँ पर इमेज को लगाना है, तो गोले के अंदर इमेज को लगाने के लिए आपको वापस से पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पर इमेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वापस से इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यार पिक इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वापस से जो इमेजेस आ जाएंगी, तो आपको जो है कोई भी इमेज को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वापस से यहाँ पर से जो है बैक ले लेना है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर बैक लेकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है इमेज हमारे सामने यहाँ पर लग चुका है दोस्तों। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने यहाँ पर खुद का इमेज भी लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों बता दूँ आपको और भी कोई भी अदर एवी प्लेयर के ऊपर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना दोस्तों, आपको जो है मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों यार अभी इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपनी वीडियो का प्रीसेट सेट कर लेना है कि किस में आप यहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर जो है 720p पर सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।